सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। एंड दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं Realme 12 Pro 5G डिवाइस का कैमरा जूम टेस्ट। क्योंकि दोस्तों इस डिवाइस में 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, तो कैमरा जूम टेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों Realme 12 Pro 5G डिवाइस के कैमरा को टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं कि कितना दूर से ऑब्जेक्ट को टारगेट कर सकता है, कितना क्लियरली फोटोज को कैप्चर कर सकता है। एंड इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मून टेस्ट भी करने वाले हैं, मतलब कि आसमान से चांद का भी फोटो कैप्चर करने वाले हैं, क्योंकि इस डिवाइस में डेडिकेटेड हमको यहाँ पे मून मोड का भी फीचर मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जरूर देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस Realme 12 Pro 5G डिवाइस को रिसेंटली एक OTA अपडेट रिसीव हो गया था, जो कि लगभग दे सकते हैं 6.8GB का अपडेट था। एंड ये जो अपडेट है टोटली यहाँ पे कैमरा ऑप्टिमाइजेशन का अपडेट है, तो इस अपडेट को मैंने सक्सेसफुली इंस्टॉल किया है। एंड अपडेट करने के बाद ही हम इस फोन से कैमरा टेस्टिंग करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, कैमरा टेस्टिंग करने से पहले इस फोन के कुछ कैमरा स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं। तो इस डिवाइस में 50 मेगापिक्सल का OIS ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जो कि सोनी IMX882 का सेंसर मिल जाता है। 32 मेगापिक्सल का यहाँ पे पोर्ट्रेट टेलीफोटो लेंस मिल जाता है एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल मिल जाता है। सेल्फी कैमरा के बारे में बात करेंगे तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, वो भी सोनी सेंसर के साथ। तो दोस्तों, ये है Realme 12 Pro 5G डिवाइस एंड सबसे पहले क्या करेंगे, डेलाइट कंडीशन में इसके यहाँ पे जूम टेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको ट्राइपॉड पे फिट करेंगे एंड ट्राइपॉड पे फिट करने के बाद हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को टारगेट करके देख लेते हैं। एंड दोस्तों, वीडियो के लास्ट में इस फोन के सारे ओरिजिनल कैमरा सैंपल दिखाने वाला हूँ, जैसे कि रियर कैमरा हो या फिर सेल्फी कैमरा हो, तो सारे कैमरा सैंपल्स वीडियो के लास्ट में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फोन को घुमाते हैं एंड करते हैं कैमरा एप्लीकेशन को स्टार्ट। एंड कैमरा एप्लीकेशन स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 0.6 मतलब कि अल्ट्रा वाइड एंगल से लेकर हमको यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 20x तक यहाँ पे जूमिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो सारे मोड्स हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले। तो चलिए दोस्तों, कैमरा टेस्टिंग करने के लिए मैंने जो ऑब्जेक्ट को टारगेट किया है, जो कि एक मंदिर है। एंड ये जो मंदिर है मेरे घर से, मेरे एंड से 500 मीटर्स के दूरी पे है। तो चलिए इसको टेस्ट करेंगे, मतलब कि इसको टारगेट करके देख लेते हैं, हर एक मोड में उसका फोटो कैप्चर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्विच करेंगे अल्ट्रा वाइड एंगल में, मतलब कि 0.6 मोड में स्विच करेंगे। तो अल्ट्रा वाइड एंगल में देख सकते हैं काफी ज्यादा एरिया यहाँ पे कवर हो जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान में रखें कि यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है, तो ज्यादा कुछ खास यहाँ पे पिक्सल क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी। चलिए इसके बाद स्विच करेंगे रेगुलर फोटो मोड में, मतलब कि 1x मोड में स्विच करेंगे। तो 1x मोड में देख सकते हैं फोटो कैप्चर करके देख लेते हैं। वैसे 1x मोड में जो मंदिर है वो बिल्कुल भी मुझे देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए इसके बाद अगला जो मोड है वो है 2x मोड। एंड 2x मोड के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मंदिर दिखता है, उतना ज्यादा कुछ खास यहाँ पे विजिबल नहीं है। तो चलिए 2x मोड का भी एक फोटो कैप्चर करते हैं। एंड इसके बाद अगले मोड के बारे में बात करेंगे, जो कि है 4x जूमिंग मोड। तो 4x जूमिंग मोड में देख सकते हैं जो मंदिर है वो तो मुझे थोड़ा बहुत दिखता है, एंड जो कलश है वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे मुझे देखने को मिला है। तो चलिए 4x मोड का भी एक फोटो कैप्चर करके रखते हैं। एंड इसके बाद अगले मोड के बारे में बात करेंगे, जो कि डायरेक्टली हमको यहाँ पे 10x मोड मिल जाता है। तो 10x मोड में स्विच करने के बाद आप देख सकते हैं जो मंदिर है वो भी क्लियर कट मुझे देखने को मिला है, उसके ऊपर जो कलश है वो भी मुझे क्लियर कट देखने को मिल जाता है। एंड उसके पीछे जो पेड़ वगैरह है वो भी मुझे ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। पिक्सल क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो पिक्सल क्वालिटी वो भी अभी तक ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे नॉइस एंड ग्रेन्स तो देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए 10x मोड का भी एक फोटो कैप्चर करते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों अगले मोड के बारे में बात करेंगे, जो कि है 20x मोड। तो 20x मोड में देख सकते यार काफ़ी क्लियर कट मुझे यहाँ पे कलर्स भी देखने को मिल जाता है, उसके पीछे देख सकते हैं जो पेड़ वगैरह वो भी क्लियर कट देखने को मिल जाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे पिक्सल में डिटेलिंग देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ा बहुत नॉइस एंड ग्रेन्स भी इसमें ऐड हो चुका है। तो चलिए 20x का जो मोड है उसका भी एक फोटो कैप्चर करते हैं। तो दोस्तों सारे मोड से हमने फोटोज तो कैप्चर किया है, अब दोस्तों बारी आती है इसके सारे ओरिजिनल सैंपल दिखाने की। तो चलिए ओरिजिनल सैंपल भी देख लेते हैं। तो ये है अल्ट्रा वाइड एंगल का सैंपल, जिसमें यार काफी ज्यादा एरिया कवर हो चुका है। एंड इसके बाद ये देख सकते हैं 1x मोड का सैंपल है। एंड इसके बाद ये देख सकते हैं 2x मोड का सैंपल, जिसमें थोड़ा बहुत मंदिर देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये देख सकते हैं 4x जूमिंग मोड, जिसमें मंदिर थोड़ा तो विजिबल होता है। एंड इसके बाद ये देख सकते हैं 10x जूमिंग मोड, जिसमें काफी अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिला है। एंड सबसे लास्ट में देख सकते हैं 20x जूमिंग मोड, जिसमें मंदिर एंड मंदिर का जो कलश है वो भी काफी क्लियर कट देखने को मिल जाता है। तो काफी जबरदस्त मुझे रिजल्ट देखने को मिले है। चलिए इसके बाद दोस्तों हाई रेजोल्यूशन मोड को टेस्ट करेंगे, मतलब इस डिवाइस में 50 मेगापिक्सल का एक डेडिकेटेड मोड मिल जाता है। तो चलिए मोड की कैटेगरी में जाएंगे। एंड मोड की कैटेगरी में जाने के बाद
50 मेगापिक्सल से कुछ फोटोज कैप्चर करेंगे। तो सबसे पहले मोड के बारे में बात करेंगे जो कि है 1x मोड। तो 1x मोड को कैप्चर करेंगे एंड 1x मोड को कैप्चर करने के बाद यहाँ पे 2x मोड का भी एक फीचर मिल जाता है। तो चलिए 2x जूमिंग मोड का भी एक फोटो कैप्चर करते हैं एंड इसका भी जो ओरिजिनल सैंपल है वो भी आप चेकआउट करके देख सकते हैं। सो ये है 50 मेगापिक्सल का 1x मोड जिसको जूम करने पर ऐसी क्वालिटी देखने को मिल जाती है एंड ये है 2x जूमिंग मोड जिसको जूम करने पर ऐसा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों इसके बाद इस डिवाइस में प्रो मोड का भी डेडिकेटेड फीचर मिल जाता है एंड इसी प्रो मोड में हम यहाँ पे जूमिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि प्रो मोड में कैसे रिजल्ट देखने को मिल जाता है। सो प्रो मोड में जैसे तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सिर्फ आपको 10x का यहाँ पे जूमिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड इसके अलावा इस मोड में हमको 0.6 मतलब कि अल्ट्रा वाइड एंगल का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो चलिए अल्ट्रा वाइड एंगल में स्विच करेंगे एंड अल्ट्रा वाइड एंगल का भी एक फोटो कैप्चर करके देख लेते हैं एंड इसके बाद स्विच करेंगे 1x मोड में मतलब कि रेगुलर फोटो मोड में स्विच करेंगे। तो रेगुलर फोटो मोड का भी एक फोटो कैप्चर कर सकते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पे मीटरिंग एंड फोकसिंग का भी फीचर देखने को मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे जो फोकस है मीटरिंग उसको फोकस किया है तो 1x मोड का भी एक फोटो मैंने कैप्चर किया है एंड इसके बाद दोस्तों 2x मोड में स्विच करेंगे एंड 2x मोड में स्विच करने के बाद अगेन यहाँ पे इसका भी एक फोटो कैप्चर करके रख लेते हैं एंड इसके बाद अगले मोड के बारे में बात करेंगे जो कि है 4x मोड। तो 4x मोड में देख सकते हैं जो मंदिर है वो अगर थोड़ा बहुत मुझे विजिबल हो चुका है। तो 4x मोड का भी एक फोटो कैप्चर करते हैं एंड इसके बाद दोस्तों अगले मोड के बारे में बात करेंगे जो कि हम यहाँ पे स्विच करेंगे 8x जूमिंग मोड में। तो चलिए 8x जूमिंग मोड का भी एक फोटो कैप्चर करेंगे। वैसे 8x जूमिंग मोड में देख सकते जो मंदिर है वो भी यार क्लियर कट देखने को मिल जाता है लेकिन हाँ यहाँ पे जो रेगुलर फोटो मोड है उसमें से यहाँ पे थोड़ी सी क्वालिटी कम ही देखने को मिली है एंड इसके बाद सबसे लास्ट मोड के बारे में बात करेंगे जो कि है 10x जूमिंग मोड। तो 10x मोड का भी एक फोटो कैप्चर करेंगे एंड यहाँ पे काफी सारा नॉइस एंड ग्रेन्स मुझे देखने को मिला है तो पिक्सल क्वालिटी थोड़ी सी यहाँ पे डाउन हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों ओरिजिनल सैंपल देख लेते हैं कि कैसी क्वालिटी देखने को मिलती है। सो ये है 0.6 मोड मतलब कि अल्ट्रा वाइड एंगल का सैंपल। उसके बाद ये देख सकते हैं 1x प्रो मोड का सैंपल है एंड इसके बाद ये देख सकते हैं 2x प्रो मोड का सैंपल एंड इसके बाद ये देख सकते हैं 4x जूमिंग मोड जिसमें मंदिर थोड़ा बहुत विजिबल होता है एंड इसके बाद ये है 8x जूमिंग मोड जिसमें मंदिर तो दिखता है लेकिन यार काफी सारा नॉइस ऐड हो चुका है एंड लास्ट में देख सकते हैं 10x जूमिंग मोड यहाँ पे मंदिर तो विजिबल हो चुका है लेकिन काफी पिक्सल क्वालिटी डाउन हो चुकी है। चलिए दोस्तों इसके बाद हम आसमान से चांद का फोटो कैप्चर करेंगे क्योंकि इस ड्रेस में डेडिकेटेड मून मोड का फीचर मिल जाता है। तो चलिए आसमान से यहाँ पे चांद का फोटो कैप्चर करेंगे। तो चलिए इस ड्रेस से यहाँ पे मून जूम टेस्ट को टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे काफी सन्नाटा है एंड रात में चांद अकेला है तो अकेले चांद का फोटो कैप्चर करेंगे। तो सबसे पहले मोड के बारे में बात करेंगे जो कि है 1x मोड। तो 1x मोड का एक फोटो कैप्चर करेंगे एंड उसके बाद स्विच करेंगे 2x जूमिंग मोड। तो 2x जूमिंग मोड का भी एक फोटो कैप्चर करेंगे। उसके बाद अगला मोड आ जाता है जो कि है 4x जूमिंग मोड। तो 4x जूमिंग मोड का भी मैंने फोटो कैप्चर किया है। उसके बाद अगला नंबर आता है डायरेक्टली वो है 10x जूमिंग मोड। तो 10x में यहाँ पे स्विच करेंगे तो यहाँ पे 10x में स्विच करने के बाद चांद यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे विजिबल हो चुका है। तो चलिए चांद का यहाँ पे फोटो कैप्चर करते हैं एंड इसके बाद दोस्तों अगले मोड के बारे में बात करेंगे जो कि है 20x जूमिंग मोड। तो चलिए 20x जूमिंग मोड में चांद आपको कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए 20x का भी एक फोटो कैप्चर करेंगे एंड सारे सारे टेस्टिंग होने के बाद इसके ओरिजिनल सैंपल है वो भी यार चेकआउट करके देख लेते हैं। सो ये है 1x मोड का सैंपल एंड उसके बाद ये देख सकते हैं 2x जूमिंग मोड का सैंपल एंड उसके बाद ये देख सकते हैं 4x जूमिंग मोड का सैंपल। ये है 10x मोड का सैंपल जिसमें जो चांद है थोड़ा बहुत विजिबल हो चुका है एंड इसके बाद ये देख सकते हैं 20x मोड मतलब कि मून मोड से चांद कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों बात करेंगे इसके बाद वीडियो क्वालिटी के बारे में कैसे वीडियो की यहाँ पे जूमिंग क्वालिटी देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इस ड्रेस में हमको यहाँ पे 4K एट 30fps का सपोर्ट मिल जाता है एंड 1080 पिक्सल एट 60fps का सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे स्टेबिलाइजेशन चाहिए तो यहाँ पे 1080 पिक्सल में स्टेबिलाइजेशन का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है एंड थैंकफुली दोस्तों इस ड्रेस में देख सकते हैं 1x 2x 3x एंड मैक्स टू मैक्स देख सकते हैं 10x तक यहाँ पे जूमिंग का सपोर्ट मिल जाता है जो कि नॉर्मली काफी सारे स्मार्टफोन में 6x का ही यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है। तो इसमें हमको यहाँ पे ज्यादा जूमिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों इस डिवाइस से मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके रखा है जो कि यार 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखा है तो उसकी जो जूमिंग की क्वालिटी है वो भी यार टेस्ट आउट करके देख सकते हैं।
सो यहाँ पे जो 4K मोड में पिक्सल की क्वालिटी काफी बेटर देखने को मिल जाती है। वैसे 4K मोड में हमको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल का कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। अल्ट्रा वाइड एंगल आपको यहाँ पे 1080 पिक्सल में देखने को मिल जाता है। जूमिंग के बारे में बात करेंगे तो मैक्स टू मैक्स देख सकते यहाँ पे 4x या फिर 6x तक यहाँ पे बेटर आपको जूमिंग देखने को मिल जाती है। ज्यादा जूमिंग करेंगे मतलब 10x तक जूमिंग करेंगे तो पिक्सल क्वालिटी काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। दूर के जो ऑब्जेक्ट है वो तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं, लेकिन क्वालिटी काफी ज्यादा डाउन हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दूर से यहाँ पर ऑब्जेक्ट को जूम करके देखा है तो 10x तक जूमिंग मोड में देख सकते हैं पिक्सल क्वालिटी डाउन हो जाती है। बढ़ा क्या क्या एक्टिविटी चलती है वो तो आप यहाँ पे चेकआउट करके देख सकते हैं। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे वीडियो का क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, कैमरा जूमिंग टेस्ट तो यहाँ पे हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो रियर कैमरा है, सेल्फी कैमरा है, इससे भी मैंने कुछ फोटोज कैप्चर करके रखे हैं। तो चलिए इसका जो कैमरा टेस्ट के सैंपल से मतलब भी रिजल्ट है वो भी यहाँ पर चेकआउट करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये फोन कैसा लगा एंड आपको इस फोन का कैमरा कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।